नो जॉब एंड नो वर्क इज इजी, एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस. मेक श्योर अगर आप मॉडलिंग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो बी रेडी फॉर द हार्ड वर्क. व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू टुडेज व्लॉग. आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. मेरे सारे जाट भाइयों को फिर से मेरा राम राम. सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर शूट एंड दिस इज द फर्स्ट आउटफिट वी आर शूटिंग. कैमरे के पीछे कैमरा, यस, ये हिमांशु इन द फ्रेम, माइक इन द फ्रेम, दिलशाद इन द फ्रेम, एंड द होल क्रू इज इन द फ्रेम. होटल अंदाज इन एरो सिटी न्यू दिल्ली. आई एक्चुअली शॉट फॉर देम आई थिंक 2 ईयर्स बैक, बट टुडे वी आर शूटिंग for a different brand at the same location. पता, वैसे इस मौसम में ना ज़्यादा गर्मी होती नहीं है, बट यार बहुत गर्मी है. मेरे को मतलब शूट करते वक्त भी स्वेट हो रहा है. तो बेसिकली द फर्स्ट लुक इज़ कम्प्लीटेड एंड ऐसे ही हमारे ऑलमोस्ट लाइक 12 to 13 हमारे लुक्स होने वाले हैं. तो यार बीच बीच में ऐसा होता है भाई, बाल बाल ख़राब हो जाते हैं, गर्मी का मौसम है, पसीने आते रहते हैं. क्यों मास्टर जी? कहाँ पे ब्रो? अभी हमारा सेट डिसाइड नहीं हुआ है, मतलब हम टेस्ट शूट करके देख रहे हैं. तो सब तक फोटोग्राफर करने से नहीं लगाते अपनी फोटो से कि यू मॉडल की जो पीछे बैकग्राउंड है वो बढ़िया लग रहा है. तो यू नो द एंटायर पिक्चर शुड कम इन सच अ वे कि वो पिक्चर में जो प्रोडक्ट है वो कॉम्प्लीमेंट हो और मॉडल और प्रोडक्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें. चाय भी नहीं मन कर रहा है, चाय ऊपर ही मेरा नहीं, दिलशाद का. गर्मी नहीं मर रहा है चाय. हमारा जरूर लेना आप. अगर मैं बाहर नहीं गया तो फोटोग्राफर का मुझे कॉल आ जाएगा, फिर बोलेंगे वाह किधर है तू, ये क्या कर रहा है बेटो. तो मैं कह रहा हूँ ना, इतनी बड़ी अगर आपके पास टीम है ना तो भाई हर इंसान को लुक देख सकता है. कपड़े कोई सेट कर रहा है, बाल कोई सेट कर रहा है, मेकअप कोई सेट कर रहा है, सब सेटिंग कर रहा है. हमें सिर्फ अपना काम करना है, जाना है, पोज देना है, फोटो भी जाना है. माय जॉब. तो भाई इमरान ने मेरे को बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि भाई आपके बालों में ना केराटिन की ज़रूरत है थोड़ी. मतलब मेरे को लग रहा है बालों में प्रोटीन वोटीन की भी पड़ रही है, बिकॉज जिम तो कर नहीं रहे लॉकडाउन में, खाए जा रहे हैं दबा के. तो बॉम्बे पहुँचे सबसे पहला काम केराटिन. I think this outfit is also done and we are heading to the next outfit. Oh shit, sun kitna band kar raha hai yaar. And I don't know what is the next venue of the next outfit. So let me just reach there, change my clothes, change to the new shoes. And so shoot karte karte hum logo ko almost 11 ghante ho chuke hain aur abhi hame lagta hai ki shoot kam se kam 2.5 ghante aur chalega. So it is not an easy task or an easy job. Any which ways, no job and no work is easy. Everything comes with a price. तो मेक श्योर अगर आप मॉडलिंग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो बी रेडी फॉर द हार्ड वर्क. जो शूट है दीवान साहब का, उस पर मुझे बोला हुआ है कि आई एम नॉट सपोज टू ट्रिम माई बियर्ड, नीदर आई हैव टू कट माई हेयर, सो आई हैव टू कीप इट लाइक दिस.
बट कहीं ना कहीं यार कुछ जो अनिमे से बाल निकलते रहते हैं ना वो बड़े ही वियर्ड लगते हैं। सो गाइस ये सेकंड लास्ट शॉट है, 14 घंटे हो गए हैं, शूट अभी तक चल रहा है, लाइटिंग सेट हो रही है। दिलशाद दोबारा बोलना, बैकअप। ओहो, सो 9 बजे तक मैंने शूट किया है और 9 बजे के बाद के जो आर्टिस्ट है वो है दिलशाद। ये 12 बजे खड़े होते हैं। ये नाइट का आर्टिस्ट है हमारा, ये सिर्फ नाइट शूट करता है। आओ ना शूट कराओ जरा। So on that note guys, let me end this vlog here and I hope आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो और इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके जाना। On that note, I love you guys, bye bye, take care, बहुत थक गया हूँ, सोना है भाई, bye. Thank you so much for the entire team. फोटो शूट के सक्सेसफुल होने के पीछे पूरी टीम का हाथ होता है एंड ये टीम ये है सारी, ये टीम है। एंड आई वांट टू से वन थिंग टू ऑल द मॉडल्स, यार एटीट्यूड मत दिखाओ, टेंट्रम मत दिखाओ, ठीक है यार, ये टीम ना बहुत मेहनत करती है हमारे पीठ पीछे, ठीक है। तो चेयर्स टू यू गाइस, एटीट्यूड रखिए आप, थैंक यू सो मच, फॉलो यू ऑल एंड हिप हिप हुर्रे हुर्रे फॉर द टीम।